कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, रायबरेली के सांसद और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति में एक अलग छाप छोड़ने वाले आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी मजदूर के राष्ट्रीय संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी के द्वारा 54 kg का केक काट कर यहाँ पर उनका बर्थडे जन्मदिन राहुल गांधी जी का मनाया जा रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी न्याय योद्धा हैं। जिस तरह से आज उनका 54वां वर्षगांठ पूरा हो रहा है, 54 साल के हमारे राहुल गांधी जी हो गए हैं और देश को, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो न्याय संगत और न्याय यात्रा न्याय योद्धा के रूप में जाने जाने वाले राहुल गांधी जी को आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस चिंतक महासंघ के द्वारा 54 kg का AICC कांग्रेस मुख्यालय में केक काटकर लोगों के अंदर एक उत्साह और जज्बा के लिए आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो नेक इरादे से आप देखे होंगे आए थे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर जब भी किया, उसका परिणाम यह रहा है कि आज विपक्ष में मजबूत एक लोकतंत्र हुआ है। आज जिस तरह से लोग भ्रमित करने का काम कर रहे थे, आज कांग्रेस मुक्त होने की बात कर रहे थे और राहुल गांधी का ही ताकत था जो कांग्रेस का 100 पार आज आकर प्रतिपक्ष में एक मजबूत आवाज उठाने के लिए किसान, मजदूर, आम आवाम, युवाओं के लिए जिस तरह से अग्निवीर धोखा और कई है जो हादसाएं हो जा रही हैं रेल पर और रेल में हादसाएं हो जा रही है, कवच की बात करते हैं लेकिन कोई आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है, मंत्री इस्तीफा देते हैं। आज लोकतंत्र में संविधान के लिए यह बहुत बड़ा त्यौहार हम लोगों के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, एक जज्बा, हमारा शेर बप्पर शेर जो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकल पड़ा हजारों कारवां के साथ, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने दम भरा, उसी ताकत का आज हम लोगों के अंदर आभास है। हम राहुल सेना के लोग हैं, हम हमेशा राहुल गांधी जी का बर्थडे यहीं पर हर वर्ष मनाते हैं, उनका जितना आयु होता है उसी के अनुसार केक काटते हैं, लोगों में वितरित करते हैं और लोगों के अंदर एक जज्बात और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक संकल्प लेते हैं। हमारी महिला उत्तर प्रदेश की इंटक के अध्यक्ष हमारे आशुतोष जी या अर्जुन खटवानी जी, तमाम कई सैकड़ों, अभी क्या गर्मी के कारण लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हैं, लेकिन जो केक कटा, लोगों के अंदर एक उद्देश्य था कि राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर उनको दीर्घायु, स्वस्थ और कर्मठ, देश के लिए निरंतर सेवा करने के लिए बाबा विश्वनाथ ताकत दे, वो देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए जब भी आगे बढ़ेंगे उनके साथ मेरा सेना, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का 3.5 करोड़ सेना उनके साथ खड़ा होकर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेगा और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। यही हमारा आज का उद्देश्य था कि राहुल जी का सपनों का जो साकार करने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, न्याय के योद्धा का आज जन्मदिन मनाते हुए हम लोग को बहुत उत्साह हुआ। ये न्याय के योद्धा हमारे राहुल गांधी जी निरंतर न्याय के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, वो हमारे बब्बर शेर हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें राहुल का प्यार नहीं। तो हम राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हमारा देश 140 करोड़ जनता का है, जहाँ किसानों का देश है, युवाओं का देश है, मजदूरों का देश है, आज उनको अपेक्षित रखा जा रहा है। उनके ताकत को प्रतिपक्ष का नेता बन के राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में निरंतर उठाएंगे, यही विश्वास है। आगे चलकर हमारी सरकार बनेगी और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग क्या कहेंगे राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर? राहुल गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी का जन्मदिन आज इस बात का द्योतक है कि देश में बदलाव की जो लहर चल रही है उसे देशवासियों ने दिल से स्वीकार किया है। हम सभी राहुल जी के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है पूरा देश अब राहुल जी के पीछे खड़ा है। हम सब राहुल जी को देखना चाहते हैं आगे बढ़ते हुए, अपने देश भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, नाम डॉक्टर आशुतोष मिश्रा है मेरा। जन्मदिन, राहुल गांधी जी का जन्मदिन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जन्मदिन संविधान के रक्षक का जन्मदिन है। ये जिस तरह से उन्होंने संविधान को सेव किया है, इस तरह से बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी देख रहे होंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे कि आज संविधान का असली रक्षक मुझे मिल गया है देश को। तो ये राहुल गांधी जी का जन्मदिन ये संविधान के रक्षक जी का जन्मदिन है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी, मैं जिला रायबरेली का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का। क्या कहेंगे आप लोग के सांसद राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं आज बहुत खुशी के और हर्ष के साथ माननीय अपने बब्बर शेर माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिवस पे रायबरेली से चल के आके दिल्ली में AICC
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी और समस्त कांग्रेस जनों से माननीय राहुल गांधी जी को उनके जन्म की शुभकामनाएं दिया और बधाई दिया कि आने वाला समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी और हमारी बहन प्रियंका गांधी जी लोकसभा की संसद लोकसभा में बैठ के अपनी आवाज़ उठाएंगे। और हम अच्छा क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अर्जुन खटवानी है, मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ से हूँ। अच्छा, और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे? आज राहुल गांधी जी का 54वां जो जन्मदिन है, हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान स्वामीनाथ जी जायसवाल साहब के अध्यक्षता में आज मनाया गया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और समस्त देशवासियों को कि आज न्याय योजना जो हमारे राहुल गांधी जी ने चलाई, जो यात्रा शुरू की पूरे देश में, और आज उसी का प्रतिफल है कि हम मजबूत विपक्ष में आज लोकसभा में सीटें लाए हैं। और आदरणीय स्वामीनाथ जी जायसवाल साहब के नेतृत्व में जो हर वर्ष जो राहुल गांधी जी का जन्मदिन ऐसी मनाया जाता है, आज बहुत ही कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास साथ मनाया गया है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत स्थिति में होगी और आने वाले समय में हमारे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। चलो ठीक, मेरा नाम लक्ष्मण सदा शिवालीकर, भारत जोड़े दो यात्रा में चले, कन्याकुमारी से काश्मीर तक राहुल गांधी की, कन्या मणिपुर से बॉम्बे तक राहुल गांधी की यात्रा सफल की। लोग बोलते हैं आप भारत तोड़ने को लगे, भारत जोड़ रहे, आप नफरत करते हैं, हम जोड़ने का काम किया, इसीलिए कांग्रेस बढ़ी गई, लोगों मिल गई, लोकल आदमी को मिल गई राहुल गांधी। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। ठीक, अभी हम दिल्ली में है जहाँ पर राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और तमाम लोग उनके 54वें जन्मदिन मना रहे थे। तमाम लोगों से हमने बातचीत की। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।